हेलो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में सीखेंगे इसकी डेफिनेशन देखेंगे फिर कुछ एग्जांपल्स और बाद में देखेंगे कि क्वाड्रेटिक का एक्चुअल में मीनिंग क्या है तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं डेफिनेशन क्या है अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल एक्स इज ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क् प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो वेयर ए बी एंड सी आर रियल इक्वल टू जीरो अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो कुछ इस फॉर्म की होती है ए एक्सक्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो तीनों रियल नंबर होते हैं इसमें एक कंडीशन है कि जो ए है दैट कि का जो कफिशंट है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए क्यों क्योंकि अगर ये जीरो के बराबर हो जाता है तो ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी दैट मीन हमारे पास क्या बचेगा बी एक्स प्लस सी तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी ये एक लीनियर इक्वेशन होगी तो ये इसकी एक मस्ट कंडीशन है कि जो ए है वो जीरो के बराबर नहीं हो सकता बी और सी जीरो के बराबर हो सकते हैं अब इसकी कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं फर्स्ट वाली देखिए ये इस इक्वेशन के साथ मिल रही है और ए जीरो के बराबर नहीं है दैट मीनस एक्स स्क् का कफिशंट जो है वो जीरो नहीं है तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सेकेंड वाली देखिए टू एक्स स्क्वायर माइनस फिफ्टी अब इसमें एक्स स्क्वेयर का कपीशन तो जीरो नहीं है बट एक्स का जीरो है एक्स का जीरो हो जाए कोई बात नहीं बट एक्स स्क्वेयर का नहीं है तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है थर्ड वाली देखिए टू एक्स स्क्वायेर माइनस सेवन एक्स इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है टू एक्स स्क्वेयर इसमें बी और सी दोनों जीरो है ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो कंडीशन है कि एक्स स्क्वायेर का कपीशन जीरो नहीं होना चाहिए वो जीरो नहीं है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अब हम देखते हैं के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में कुछ और बातें इट इज आल्सो कॉल्ड एन इक्वेशन ऑफ डिग्री टू इस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बोलते ही बोलते हैं और क्या बोल देते हैं इक्वेशन ऑफ डिग्री टू क्योंकि यहाँ पे पावर इसकी क्या है टू अगले वाला देखिए द नेम क्वाड्रेटिक कम्स फ्रॉम क्वाड इन लैटिन जो क्वाड्रेटिक नेम है वो लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है और क्वाड का मीनिंग क्या होता है लैटिन में उसका मीनिंग है स्क्वेयर तो यहाँ पे हमने स्क्वेयर आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज द वेरिएबल गेट्स स्क्वेयर यही यही बात उसने बताई क्योंकि वेरिएबल का स्क्वायर होता है और क्वाड का मीनिंग जो है वो स्क्वायर है तो इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन ठीक है जी इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल